क्या आप लोग बनाना चाहते हैं हलवाई जैसी खस्ता कचौरियाँ और एक्सपर्ट होना चाहते हैं कचोरी में यकीन करें अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिया इनमें सिर्फ़ इस कचोरीों में तीन स्टेप्स होते हैं अगर आपने तीनों स्टेप्स को प्रॉपर फॉलो कर लिया ना तो आप मास्टर बन सकते हैं कचोरियों में और अपनी फैमिली में फेमस हो सकते हैं कि इस बंदा ये इस बंदी की कचोरियाँ जो है ना बड़ी खस्ता और बड़े मज़े की बनती हैं वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि सारे पॉइंट्स टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी समझ में आएँ वीडियो के स्टार्ट में और बीच में और लास्ट में तीन स्टेप्स हैं बस इन तीनों को आपने फॉलो करना है और आपने मास्टर बन जाना है खस्ता सी कचोरी में और ज़रूर दाँत देंगे जो भी खाएंगे इन ताला और इस रेसिपी को हम बनाएंगे बहुत आसानी से इसके अंदर इसकी लेयरिंग में ना तो घी का यूज़ होता है ना ही हम लोग इसके अंदर मैदे का यूज़ करते हैं तो आखिर कैसे यूज़ करते हैं और क्या यूज़ करते हैं तो वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी बिसमिल्ल यहाँ पर मैंने पहले स्टेप के लिए फ़्राई पैन ले लिया है इसमें दो चम्मच हमने डाल लिया है ऑयल या घी का और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आप लहसन अदरक का पेस्ट इसके साथ चिकन ऐड कर दिया ये एक पाव से भी ना थोड़ा सा कम चिकन है मेरे पास मैंने बॉईल करके इसको श्रेड कर लिया था वो ऐड कर दिया है और इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है मिल्क दूध जो है मैंने हाफ कप लिया था और इसको मैंने ऐड कर दिया इसके बाद कुछ मसाले हैं जिसमें हमारे पास है नमक और काली मिर्च दोनों जो है वन एंड हाफ़ टी स्पून है नमक आप लोग अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर मेरे पास बंद गोभी और प्याज़ है दोनों को मैंने चॉप किया हुआ है आप चाहो तो स्लाइस कर सकते हो उसके बाद मजीद कुछ मसाले ऐड होंगे जिसमें दड़ा मिर्च है टू टीस्पून लाल मिर्च है टू टीस्पून हल्दी है वन एंड हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया है टू टी स्पून और इसके साथ हमने टू टेबल स्पून मक्खन ऐड किया है और इसको अच्छे से जब तक दूध बिल्कुल खुश्क ना हो जाए खुश करने के बाद हम इसे निकाल के साइड पर रख लेंगे ताकि ठंडा हो जाए यहाँ पर ने एक बाउल ले लिया है बाउल के अंदर हमने घी का यूज़ कैसे करना है दानेदार घी हो पहला रिक्वायरमेंट दानेदार घी होना चाहिए सेकंड आपने इसको मेल्ट कर लेना है प्रॉपर और ये नीम गर्म होना चाहिए और जब ये हल्का सा नीम गर्म होगा तो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है टू वन एंड हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का यहाँ पर यूज़ नहीं होगा और साथ में हमने ऐड कर दिया यहाँ पर थ्री एंड हाफ़ टी टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लार का मैदे का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा तो इसको हमने कर लेना है अच्छे से मिक्स और फ्रीज़र में रख देना है तकरीबन दस मिनट के लिए अब हमने ले लेना है अनदर बाउल अब हम इसकी डो को रेडी करेंगे यहाँ पर मैंने ले लिया है घी वही घी दानेदार उसको मेल्ट किया मेल्ट करने के बाद नीम गर्म किया और इसके बाउल के अंदर डाल दिया हल्का सा नमक ऐड किया टू टी स्पून और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया साथ आपने मैंने यहाँ पर एक गिलास एक मेजरिंग कप जो है ना पानी का लिया वो भी हल्का सा गुनगुना गर्म है ज़्यादा गर्म नहीं है उसके बाद जो मेजरिंग कप से मैंने तीन कप मैदा लिया है आपने इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करना है और अच्छे से छानना है ठीक है छानने के बाद आपने इसकी हल ज़्यादा हार्ड नहीं ज़्यादा सॉफ्ट नहीं अच्छी सी सख्त हाथों से टाइट हाथों से आपने इसकी डो बना लेनी है डो बहुत अच्छी बननी चाहिए और ये देखे मैंने वन एंड हाफ़ कप पानी से ही हमारे तीन कप मैदे की डो बिल्कुल रेडी हो गई है और इससे तकरीबन ग्यारह से बारह मतलब एक दर्जन कचोरियाँ बनेंगी है ना बहुत सस्ती रेसिपी उसके बाद अच्छी तरह डो गूंदने के बाद हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया और ऑयल लगा के अब आप सरफेस पे इसको लगा कर अब आपने इसकी नीडिंग करनी है इस तरह से नीट करना है जितना अच्छा आप इसको नीट करोगे जितनी अच्छी आपकी डो होगी कचोरियाँ उतनी ज़बरदस्त जो है ना वो बनेगी आपने अच्छे से इसको तकरीबन चार से पाँच मिनट आपने देने हैं नीडिंग के दौरान उसके बाद आपने इसे कट कर लेना है पेड़े जिस तरह छोटे छोटे पेड़े होते हैं आपने उस तरह से बना के तो आपने इसको साइड पे रख लेना हल्का सा ऑयल से ब्रश लगाएंगे और चार से पाँच मिनट का स्टे दे देंगे उसके बाद जो है आप ये देखें मैंने जो दस मिनट के लिए घी वाले बैटर को फ्रिज में रखा था उसको आपने निकालना है और इसको इतना विस्क करना है कि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा अब ये रेडी हो गया हमारी खस्ता सी लेयरिंग के लिए जो खस्ता सी लेयर बनती है ना कचोरी में वो लेयर इस तरीके से बनेगी अब आपने एक पेड़ा लेना है और पेड़े को अपने हाथों से यह आपका कहना मानेगा क्योंकि आपने इसको बहुत प्यारे तरीके से जो है ना इसको हैंडल किया था आपने अपने हाथों से इसे फैलाना है और वही बैटर जो हमारा घी वाला बैटर था जिसको हमने क्रीम में बनाया था क्रीमी बैटर था उसको आपने लगा देना है उसके बाद फोल्डिंग करनी है जैसे आप लोग चकोर पराठे को, को फ़ोल्ड करते हो ना आपने इस तरह से इसको एक बार फोल्ड कर देना है और सारों को जब आप फोल्ड करते जाओगे तो जो इस तरीके से आपने स्क्वायर पराठे में कर कर स्क्वायर तरीके से साइड पे रखते जाना है जब आप इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लोगे तो जो सबसे ला पहला ये होगा फोल्डिंग वाला उसको अगेन आपने लेना है और उसको अगेन आपने फिर फोल्ड करना है तो तकरीबन ये दो बार यहाँ पर फोल्ड हो जाएगा इस तरीके से आपने देखें अच्छे तरीके से क्रीमी बैटर लगा देना है डायरेक्ट घी भी लगाओगे डायरेक्ट ऑयल लगाओगे तो आप लोग देख लीजिएगा इस तरह की कचोरियाँ नहीं बनेंगी तो आपने इस टिप को बहुत ज़रूरी से और बहुत अच्छे से फॉलो करना है उसके बाद आपने ये सारे बनाकर साइड पर रख लेने हैं और ये सब बनने के बाद अगेन आपने सेकेंड बार बनाना है इसको हल्का सा आप लोग जो है ना मैदे को डस्ट कर सकते हो और अगेन आपने जिस तरह स्क्वायर में फोल्ड करते हैं जिस तरह पहले फ़ोल्ड किया था इस तरह अगेन आपको फोल्ड कर लेना है और सारी जो हमारी कचोरी को जो है ना पेड़ों को इसी तरीके से आपने फोल्ड कर लेना है ये बहुत आसान तरीक़ा है और बहुत इजी तरीका है जो लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं इन शाह उनसे भी कचोरियाँ बहुत अच्छी बनेंगी दो बार हमने इसको अच्छे तरीके से फोल्ड कर लिया है उसके बाद अगेन हम अपने हाथों से इसको फैलाएंगे। आप हाथों से फैलाएंगे या बेलन से लेकिन हाथों से बहुत इजीली हो जाएगा किनारे आपने इसके पतले रखने हैं और सेंटर में आपने इसकी फिलिंग डाल देनी फिलिंग आप लोग वन एंड हाफ़ टेबल स्पून भी डाल सकते हो इस तरह से आपने दोनों साइड से बंद करना है कचोरी को और दोनों साइड से अपोजिट साइड से आप लोग इस तरह से बंद करते जाएंगे ये बिल्कुल टूटेगी नहीं क्योंकि डो इसकी बहुत अच्छे तरीके से हमने बनाई है तो ईजिली आपसे जो है ना हैंडल हो जाएगी अब यहाँ पर इसने आपने कचोरी को इस तरह से नहीं छोड़ना है यहाँ पर कचोरियों को आपने करना है प्रेस अच्छे तरीके से प्रेस करना है आप, आपने के बीच से भी बहुत अच्छा प्रेस हो और साइड से पतली भी हो जाए आप चाहें तो हल्का सा मैदा डस्ट करें और हाथों से जो है ना हथेली से इसको प्रेस कर लें साइड्स के किनारे भी पतले हो जाने चाहिए तो ये देखिए माशाला तीन कप से हमारी ग्यारह से बारह कचोरियाँ बन के रेडी हो जाएंगी एन अलहमदिल्ला ये ज़बरदस्त बनेंगी ऑयल जो है हमारा बहुत कम जैसे नीम गरम ऑयल होता है ना इस ऑयल में आपने कचोरियों को डालना है यहाँ पर एक टिप आपको देती जाऊँ कचोरियों को जब तक आपने नहीं छेना जब तक ये खुद ही ऊपर ना आ जाए ऑयल से जब ये ऊपर आ जाएंगी तो आपने इन इसको कर लेना है टर्न फ्लेम को आपने बिल्कुल हाई नहीं रखना है लो फ्लेम पर ही पकेगी कचोरी दोनों साइड से आपने करने के बाद तो ये कचोरी बहुत अच्छे से फूल जाएगी और देखें कितनी खूबसूरत लग रही है जब बहुत अच्छे से फूल जाए तो आप लोग देखें इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा और तकरीबन इसके पकने की जो टाइमिंग है वो आठ से नौ मिनट या दस मिनट तक होती है बहुत लो फ्लेम पर इससे जल्दी ये नहीं पकेगी तो इस टाइमिंग का भी आपको ध्यान रखना है और ये गर्मा गर्म ज़बरदस्ती खस्ता कचोरियाँ बनकर रेडी हैं अगर आपने इन सारी टिप्स को फॉलो किया तो आपकी इन शाला इन शचौरियाँ ऐसी ही बनेंगी और ख़ूबसूरत सा कलर आएगा और ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है ना कचोरियाँ बन के रेडी हो गई हैं तो अगर आपको मेरी वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिले तो आपने करना है मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर और आपको इसी तरह की आसान सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी थैंक्स फॉर वॉचिंग